तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ घर से। तो मैं आज जा रहा हूँ अपने पुराने घर जहाँ एक क्रिकेट ग्राउंड है जो काफ़ी ऊंचाई पर है। तो वहाँ पर मेरे बड़े भाई को आंख में चोट लग गई थी, तो मैं इस वीडियो में आपको वो वाला ग्राउंड दिखाऊंगा। यह रहा अपना स्प्लेंडरू और मैं जा रहा हूँ अपने पुराने घर जहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं। तो मेन मोटो तो वहाँ पर ये सामान पहुँचाना है, क्योंकि वहाँ पर आटा चावल दाल वगैरह ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वहाँ से दुकानें थोड़ा दूर है तो वो बुज़ुर्ग जा नहीं सकते। तो सोचा कि वो वाला मैं ग्राउंड भी दिखा दूँ आपको और ये सामान भी पहुँचा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पुराना घर है वो खजियार के पीछे, फलानी मंदिर के नीचे, जोत के थोड़ा सा नीचे और काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में है। तो मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं वो मिनी स्विट्ज़रलैंड के लिए शॉर्ट रास्ता है चंबा से। बाया जोत वाला रास्ता जो है वो 24 किलोमीटर है और ये वाला रास्ता जो है वो 10-12 किलोमीटर है। तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों वो है ओबड़ी से, है ओबड़ी से ऊपर द्रमण, द्रमण से ऊपर ओड़ा और ओड़ा से ऊपर खजियार पड़ता है। तो मैं उस वाले रास्ते से जा रहा हूँ। तो अभी मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ से चंबा का व्यू काफ़ी अच्छा आता है। तो ये सामने है चंबा। वैसे तो गूगल मैप पे इस जगह का नाम बिस्कुट पॉइंट है, वो पता नहीं कैसे पड़ गया पर गूगल मैप में इस जगह का नाम बिस्कुट पॉइंट आता है। ये थोड़ा सा द्रमण से थोड़ा सा ऊपर है जो कि मेरा घर है, वो नीचे ये द्रमण है, ये मेरा असली घर है और मैं अपने पुराने घर के लिए जा रहा हूँ आज। बस बने रहिए हमारी वीडियो में, तो ले चलते हैं आपको आगे की तरफ। कैंटर फंस चुका है रोड में। तो दोस्तों ये बहुत ही एडवेंचरस रोड है, आधा कच्चा मिलेगा आपको आधा पक्का मिलेगा। तो थोड़ा रोड का काम भी लगा हुआ है, बारिश भी लग पड़ी है। ये देखो अब पक्का रोड आ गया बीच में। तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये लिंक रोड का एंड होता है। ये खजियार से 3 किलोमीटर पीछे जुड़ जाता है मियाड़ी गला नामक स्थान पे। तो ये आगे खजियार के लिए चला गया रास्ता और ये वाला जोत के लिए। दोस्तों मेरे पुराने घर के लिए इन दोनों रोडों से जा सकते हैं, खजियार वाले से भी और जोत वाले से भी। खजियार वाले रोड में से थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ बाइक लगाने की दिक्कत है, जो कि वहाँ पर शरारती तत्व बाइक से शरारतें करते हैं। तो हम यहाँ से जोत वाले रोड से ही जाएंगे जो थोड़ा दूर है पैदल चलने के लिए पर सेफ है। ये लगा दी है हमने बाइक, अब यहाँ से 1 घंटे की चढ़ाई है मेरे घर के लिए। और ये पार जो रोड है ये जोत वाला रोड है। तो जा रहे हैं हम अपने घर जो यहाँ से 1 घंटा ऊपर चढ़ाई लगा के। ये रहा दोस्तों रास्ता जो मक्की के खेतों के बीचों बीच है।
तो इधर भालू वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो हम पे भी कभी भी अटैक हो सकता है। तो वो जो ऊपर है वो है हमारा घर। अभी इधर तक जाना है हमने, आधे घंटे की चढ़ाई कर ली है हमने पूरी और आधे घंटे की बची है, तो बने रही वीडियो में। तो फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं। बारिश भी बहुत ज़्यादा लग पड़ी है। वो नीचे जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ से हम पैदल आए हैं एक घंटे की चढ़ाई लगाकर। तो चलो बनी रही है हमारी वीडियो में। यह है हमारा घर जो कि पूरा पत्थर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ है। ये दोनों ही घर अपने हैं, एक अपना है और ऊपर वाला चाचू का है। तो व्यू आप देख ही सकते हो, चारों तरफ देवदार के पेड़। ये फेमस डिश है जिसे घींगा बोलते हैं, जो छाछ आलू और चावल से बनती है। हम जहाँ मेरे भाई को आँख में चोट लग गई थी उस ग्राउंड के लिए जा रहे हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ये नीचे जो जगह है ये है यहाँ का ग्राउंड, जहाँ पर यहाँ के बच्चे जो हैं वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो मेरे भाई को भी यहाँ पर पिछले साल 4 मई 2020 को आँख में चोट लग गई थी, तो वो अभी तक 1.5 साल हो गया, वो अभी तक दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो ये था वो ग्राउंड जहाँ पर उसको चोट लगी थी। तो दोस्तों वो है हमारा मिनी स्विट्ज़रलैंड खजियार, जो कि समुद्र तल से है 1950 मीटर एल्टीट्यूड पर। और यहाँ से इस साइड को है कालाडोफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बनी थी 1958 में, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वो है हमारा पोलानी मंदिर और डेंटकुंड वाली पीक, जिसकी हाइट है 2770 मीटर अराउंड, लगभग इतनी है। तो इस पहाड़ी से खजियार के लिए पैराग्लाइडिंग होती है, जिसकी हाइट है 2500 मीटर। और इस साइड पे है हमारा जोत पास, जो कि समुद्र तल से 2880 मीटर एल्टीट्यूड पे है। ये यहाँ के पहाड़ी बच्चे, नो नो, इनका मुंह दिखाओ।